सीन नंबर टू, थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों फाइट्स को देखते रहेंगे एंड मीन वाइल किल फीड पे पूरा का पूरा नजर रहेगा हमारा। लेफ्ट साइड पे मॉर्टल अभी भी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है, टॉप एंगल पे हैदराबादी बॉयज का सलमान भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, बट दिस हैज टू बी अ प्रॉपर पुश ओवर है। सांगवान के पास चलते हैं एंड ऑन दी अदर एंड मेगा स्वैग ने यहाँ पे एलिमेंट को फिनिश कर दिया एंड एलिमेंट डार्क को भी खत्म कर दिया पैराडॉक्स ने। सो यहाँ पे जो फाइट हम लोग पहले देख रहे थे उसमें हमारे मेगा स्टार्स यहाँ पे विजय भव रहे हैं एंड हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे फाइट के बीच में जो यहाँ पे हो रही है सोल क्लैन वर्सेस दी हैदराबादी बॉयज एंड वाइपर का यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड पे नीचे डॉयन गेमिंग बैठे हुए, शब्बीर हैज टेकन डाउन सांगवान विद अ वेरी नाइस प्ले ओवर हियर। सो थोड़ा सा डामाडोल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सोल क्लैन के लिए, थोड़ा सा इनकी जो नैया है वो हमें डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज सांगवान खत्म हो चुके हैं यहाँ पे एंड राइट साइड पे मॉर्टल बचे हुए हैं, बट देखना पड़ेगा दैट मॉर्टल क्या करेंगे यहाँ पे, कोई और सोल्यूशन नहीं है। ही नीड्स टू फॉल बैक, ही नीड्स टू गो फॉर द रैंक पॉइंट्स, अपने आप को बचाने, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए अपने and there it is at yet again Doyen Gaming has gone down as well, it is only up to Salman over here right side se damage lete hue yahan Murtaraj lage se mortal ne apne liye pura ka pura badla le liya hai, mortal with a kill from a long range has finally taken down the last nail in the coffin for the Hyderabadi boys, apni team ka badla yahan pe mortal lene mein nahi to zarur nobat nahi padegi but baat kari jayega soul mortal ki to he is very very close over here and jaise hi humne naam liya yahan pe apna naam chamka diya unhone yahan pe kill beat ke andar bilkul inke samne yahan pe Marcos Gaming Mantigen को knock and finish किया है Soul Mortal ने, he is waiting over here बिल्कुल इनके सामने team number 10 which is going to be the Marcos Gaming, बदला लेगी Marcos Gaming को। सूर्या बिल्कुल open में यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए यहाँ पे and Mortal ने काफी ज़्यादा damage देने में सक्षम जरूर है, रौनक को भी काफी damage जरूर दिया है, but एक चीज़ जो मेरे को समझ नहीं आ रही है is that यहाँ पे एम बैटल क्यों लेती हुई दिखाई दे रही है Marcos Gaming, रौनक यहाँ पे बिल्कुल सामने है, सूर्य यहाँ पे बिल्कुल सामने है मॉर्टल के एंड एम बैटल लेने की कोशिश करी है एंड उसी चीज का यहाँ पे मॉर्टल ने फायदा उठाया एंड देयर इज अ क्लैन वाइप स्क्वाड वाइप, सो इजी पीजी फॉर मॉर्टल ओवर हियर। भाई साहब खड़े खड़े एक ही पोजिशन पे यहाँ पे पूरे के पूरे Marcos Gaming को फिनिश ऑफ करते हुए दिखाया, यू जस्ट कैन नॉट एम बैटल विद सोल मॉर्टल, ये चीज आज इन्होंने प्रूव करती हुई दिखाई दी है एंड गाइज लिटरली एक ही जगह खड़े थे ये एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे Marcos Gaming को बोलना चाहूंगा दैट Why are you leaving your cover? आपके पास एडवांटेज है, आप पुश कर सकते हैं, मे बी ये लोग अपनी किल फीड का प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट अपना कवर छोड़ के ये लोग सामने आके एम बैटल कर रहे हैं एंड वो भी किसी से जो जिसके पास कंप्लीट कवर है। Mortal had a complete cover, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, सो देखना पड़ेगा Mortal क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए जल्दी से बताइए आप लोग चैट में दैट व्हाट डू यू थिंक दैट कैन सोल Mortal गो फॉर अनदर टीम वाइप और नॉट, जल्दी बताइए सोल Mortal येट अगेन। भाई साहब एस्टेक्स इज सैटर्न को नॉक करते हुए दिखाई दिए यहाँ पे, Mortal इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ, खत्म नहीं हो रहे भाई साहब, रुक नहीं रहे, इनका नाम Mortal, इनका नाम Immortal होना चाहिए बिकॉज फिलहाल इनके लिए कम से कम यहाँ पे तीन टीमें चाहिए यहाँ पे इनको फिनिश करने के लिए एंड लिटरली राइट नाउ इज अ टाइम दैट Mortal नोज दैट इनको फाइनली जोन में वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया Mortal ने यहाँ पे बट ही नीड्स टू गो टू द जोन एज सून एज पॉसिबल, कर पाएंगे कि नहीं बिकॉज ही इज द वन ओवर हियर। राइट साइड पे हमें दिखाई दे रही है टीम नंबर 16 व्हिच इज द एस्टेक्स, लेफ्ट साइड पे हमें दिखाई दे रही है हमारे फर्स्ट मैच के विनर जो कि है हमारे MYM की क्लान। सो देखना पड़ेगा दैट इफ दे कैन डू इट, इफ ही कैन डू इट येट अगेन और नॉट। राइट साइड पे एस्टेक्स, लेफ्ट साइड पे Immortal, बीच में फंसे हुए हमारे Mortal, सो देखना पड़ेगा क्या होता है यहाँ पे। आई सपोज Mortal शुड ओनली गो फॉर अ थर्ड पार्टी अब बिकॉज इनको पता है दैट यहाँ पे फाइट हो रही है, इनको पता है दैट इनके पास गोलियां चल रही है, फाइट्स हो रही है, स्मोक स्क्रीन इनको दिख रही है, सर्कल की इनको कंप्लीट नॉलेज है। सो यहाँ पे Mortal पे हम स्टिक करेंगे थोड़ा सा थोड़ा बिकॉज यहाँ पे ही इज इन अ कंप्लीट फॉर्म टुडे। राइट साइड पे एस्टेक्स माइटी जस्ट इनको स्पॉट होंगे एंड ये किल बिकॉज बिल्कुल अपने हाथ में कर सकते हैं Mortal एंड देयर इट इज माइटी को फिनिश ऑफ करके एक और किल अपने नाम जरूर किया, टोटल 5 किल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ही इज वेटिंग, ही इज अ वन मैन आर्मी राइट नाउ, जल्दी से हम इनको स्पॉट करेंगे जब तक यहाँ पे फाइट्स खत्म नहीं होती। So let's have a look at what happens यहाँ पे nades की बौछार होती हुई दिखाई दे रही है Mortal की तरफ से, he is waiting, he is holding and यहाँ पे दूर दराज इलाके से Saturn knock होते हुए दिखाई दे रहे हैं from team hype and right side पे यहाँ पे grenades की बरसात हो रही है Mortal के ऊपर, यहाँ पे कुछ होता हुआ दिखाई देगा and he has taken another one, he is unstoppable right now Mortal with another kill, Aztec के frost को भी यहाँ पे finish करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक और kill Mortal के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, he is totally Unbelievable right now। यहाँ पे Aztecs का सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है यहाँ पे, that is going to be प्रधान and इनके बिल्कुल सामने है यहाँ पे, बिल्कुल ऊपर से इनके यहाँ पे फाइट चल रही है between MYM and team number 16 because प्रधान is waiting over here, he knows the angle and regal toss on the other hand has taken down synergy के टैड with a grenade। जल्दी से चलते हैं इनके पास, यहाँ पे फाइट होती हुई दिखाई दे रही है हमें TSM के बीच में एंड टीम नंबर 7 that is going to be synergy and he is already dead I suppose, यहाँ पे synergy को already खत्म कर चुका है, हमारा ट्रांसफर भी नहीं हुआ वहां पे एंड इट हैज हैपन एंड यहाँ पे एम Mortal
इमॉर्टल को भी नॉक करते हुए दिखाई दिए हैं। मॉर्टल वर्सेस इमॉर्टल, इमॉर्टल हैज गॉन डाउन, मॉर्टल आज रुक नहीं रहे, कसम से आज पता नहीं क्या खा के हैं। एंड देयर इट इज, ही टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज राइट साइड से, बहुत ही ज्यादा डैमेज आता हुआ यहाँ पे एमवाईएम का, एंड मॉर्टल हैज फाइनली रेस्टेड ओवर हियर। भाई साहब यहाँ पे दो टीम्स चाहिए थी यहाँ पे मॉर्टल को खत्म करने के लिए, एंड अगर फाइनली जोन इनके ऊपर रहता तो मॉर्टल गुड हैव डन इट। सो गाइस इसकी बौछार होती हुई दिखाई दे रही है हमें फनाटिक की तरफ से, रौनक इज ओवर हियर। बट एक चीज जिसका यहाँ पे रौनक को ध्यान देना पड़ेगा इज दैट बिल्कुल इनके लेफ्ट साइड से यहाँ पे टीम तमिलास की टीम भी यहाँ पे पुशन करती हुई दिखाई दे रही है। सो वी स्टिल हैव टू हैव अ लुक एट व्हाट हैपेंस। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पूरी की पूरी दो टीम्स बैठी हुई है, सर्कल यहाँ पे चलने के लिए 40 सेकंड्स यहाँ पे बचे हुए हैं। लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा बंदे आने वाले हैं। रौनक आपको यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे रोशन करना पड़ेगा, बट ही हैज गॉन डाउन ओवर हियर। लेफ्ट साइड पे टीटी कैरी इज द वन ओवर हियर हु इज ओवर हियर, काफी ज्यादा दिक्कतें दे रहे थे यहाँ पे टीम फनाटिक को, बट ही हैज फाइनली गॉन डाउन, जोन का डैमेज लिया। एंड सामने से यहाँ पे बैठे हुए परितोष मैक्स कैश। सो यहाँ पे बट लुक एट द क्रॉलिंग, लुक एट वैम्प, लुक एट हिम, भाई साहब बिल्कुल यहाँ पे राइट पे धीरे धीरे चुपके चुपके यहाँ पे आ चुके हैं बिल्कुल इनके सामने फनाटिक के तीनों बंदे। बट लुक एट द ट्रिगर डिसिप्लिन, ही इज जस्ट वेटिंग ओवर हियर, होल्ड करके रखे हुए हैं यहाँ पे, देखना पड़ेगा क्या कर पाएंगे यहाँ पे। एंड देयर इट इज, स्पॉट जरूर कर लिया, मैक्स कैश को टेक डाउन कर लिया, परितोष इज द वन रिमेनिंग। रौनक अभी अभी रिवाइव जरूर हुए थे, एचपी बहुत कम है यहाँ पे इनकी, सो देखना पड़ेगा क्या होएगा। वैम्प यहाँ पे सिंगल हैंडेडली यहाँ पे पूरी की पूरी फनाटिक को खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें। वैम्प इज ओवर हियर, परितोष इनके बिल्कुल सामने, काफी सारा डैमेज दिया, एंड ही गोस फॉर अनदर नॉक ओवर हियर। वैम्प को भी यहाँ पे नॉक करते हुए दिखाई दिए। रौनक इज द ओनली वन रिमेनिंग, 1v1 सिनेरियो, एंड ही टेक्स अनदर वन, पूरा का पूरा कंप्लीट क्लैन वाइप बाय नोवा गॉड लाइक वैम्प ओवर हियर हमें देखने को मिल रहा है। व्हाट अ नाइस पोजीशन, तीनों के तीनों बंदे फनाटिक के खत्म किए इन्होंने यहाँ पे, व्हाट जरूर दिखाई देंगे। एंड उसी के साथ यहाँ पे कंज्यूमेबल्स मार के अपनी एचपी फुल करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट ब्लेजीज ओवर हियर हु इज जस्ट वेटिंग, बहुत ही ज्यादा घातक सिचुएशन आ चुकी है दोनों की दोनों टीम्स के लिए, बिकॉज बोथ द टीम्स दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है यहाँ पे। नीचे सोल की क्लैन बैठी हुई है, एंड ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं हैदराबादी बॉयज। सो वी विल वेट एट द ड्रोन व्यू, एक बार देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर डोयन की बात करें तो होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड शशांक इज वेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे सलमान लेट के बैठे हुए यहाँ पे प्रोन कर रहे हैं। वी आर हियर एट अ सीसीटीवी कैम एंगल, यहाँ पे देखना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होएगा। लेफ्ट साइड पे तीनों बंदे होल्ड कर रहे हैं। शब्बीर इज वेरी मच अवे फ्रॉम द टीम ओवर हियर, बट यहाँ पे राइट साइड पे पुश होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम द टीम सोल ओवर हियर। बट एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ पे मैप की तरफ ध्यान दे लेते हैं, दैट बाकी की जो टीम्स हैं वो यहाँ पे फाइट कहाँ पे चल रही है। सो वी हैविंग लुक एट टीम 17, टीम 16 एंड टीम 30, टीम 3 एंड टीम 20, जिनकी क्यूमुलेटिव फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। बट द पुश इज स्टार्टेड टू हैपन, सांगवान हैज गॉन डाउन ओवर हियर। वी हैविंग लुक एट ऑल द टीम्स ओवर हियर, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट शशांक भी यहाँ पे नॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के एंगल पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल इनके सामने राइट साइड पे शब्बीर बहुत ही दूर, उसी चीज का यहाँ पे दिक्कत हुआ है यहाँ पे, शब्बीर को अपनी टीम से बहुत ही ज्यादा दूर दिखाई दिए। एंड देयर इट इज, मॉडल होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने स्मोक इन करते हुए दिखाई देंगे। बट देयर इट इज, यहाँ पे एक बंदा ही सिर्फ नॉक हुआ यहाँ पे सोल का, दैट इज गोइंग टू बी सांगवान, एंड द ओनली वन रिमेनिंग फ्रॉम द हैदराबादी बॉयज इज गोइंग टू बी शब्बीर। एंड डॉयन गेमिंग एंड सलमान भी बचे हुए यहाँ पे, बट नीचे जंप ऑफ कर चुके हैं शब्बीर के, सलमान के एंगल पे चलते हैं, जिनके ऊपर फिर से पुश होने की आशंका पूरी बैठी हुई है यहाँ पे, काफी ज्यादा टाइम जरूर ले रही है फाइट। एंड देयर इट इज, यहाँ पे सलमान का बहुत ही बेहतरीन स्प्रे दिखाई दिया है, ब्लेजी हैज गॉन डाउन, पुश करते हुए दिखाई देंगे सांगवान, एंड ही हैज गॉन डाउन एज वेल। इट इज ओनली अप टू राइट नाउ मॉडल को देखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट सारे के सारे बंदे कहाँ पे यहाँ पे। एंड देयर इट इज, वाइपर रह गए यहाँ पे, 1v2 सिनेरियो, 2v2 सिनेरियो दिखाई देगा हमें यहाँ पे। एंड शब्बीर इज स्टिल वेरी मच अवे फ्रॉम दिस फाइट विच इज हैपनिंग ओवर हियर। सो वाइपर के पास चलते हैं, एंड एक बार जल्दी से स्पॉट इन करते हैं क्या कर पाएंगे वाइपर। दो बंदे इनके ऑलरेडी खत्म हो चुके, सांगवान इज डाउन, ब्लेज इज डाउन, वी स्टिल हैव टू हैव अ लुक। एलिमेंट के यहाँ पे हमें दो बंदे नॉक इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं किल फील्ड में। वाइपर यहाँ पे ब्लाइंड इन पुश करते हुए दिखाई दिए, बट काफी ज्यादा डैमेज जरूर ले लिया। देयर इट इज, वन नॉक, वन वर्सेस टू सिचुएशन ओवर हियर, सोल क्लैन वर्सेस हैदराबादी बॉयज, 1v1 सिचुएशन ओवर हियर, एंड वाइपर हैज गॉन डाउन, एंड नॉक जरूर हुए थे बट मॉडल ने विद अगेन येट अगेन ये बहुत ही बढ़िया रिटेलिएशन से अपने आप को बचाया, वाइपर को बचाया एंड अपनी टीम को बचाया। सो वेरी नाइस पुश इन बाय सोल क्लैन, बट दो झटके इनको जरूर मिलेंगे। सांग